दोस्तों जो आप ये वीडियो देखने जा रहे हैं जिस पे मैंने डेट पाम लगाया है, ये मैं प्लांट कैसे लेकर आया था और किस किस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ और क्या क्या चीज़ मैंने ऐड की है, सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और नाइट का व्यू भी आप ज़रूर देखना जिसमें मैंने लाइटिंग लगाई हुई, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, क्या चाल है आपका? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जो कर लेना। यहाँ पर पहले मेरे सैकस पाम लगा हुआ था इस वाली जगह पर, तो मैंने अभी गमले में शिफ्ट कर दिया है, काफ़ी बड़ा था तो एक मैं और लेकर आया था, ये वाला बड़े वाला काफ़ी बड़ा है। इसकी जो नीचे वाली ट्रंक है वो 4 फीट के करीब है, तो इसकी 2 फीट के करीब है। काफ़ी हेल्थी प्लांट है। तो गमले में शिफ्ट करने का कारण मेरा ये था, यहाँ पे मैंने एक प्लांट लगाना है, काफ़ी बड़ा प्लांट, 10 फुट उसकी हाइट है। उसका नाम है डेट पाम भी बोल देते हैं और उसे खंजूर का ट्री भी बोल देते हैं। तो कल मेरा आने वाला है, तो इसलिए मैं 4 फुट का खड्डा गहरा खड्डा मैं निकाल रहा था, तो जहाँ पे लगाना है और काफ़ी हाइट चली जाएगी, ऊपर तक जाएगी हाइट उसकी। तो बाकी कल आने वाला है, क्योंकि वो ऐसे तो लगेगा नहीं, वो गाड़ी पे आएगा, बड़ी पे, तो उसके लिए अलग जो अपनी क्रेन होती है उससे लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होगा। जितना आप खड्डा देख रहे हैं ना, इतनी चौड़ी होगा ये, 4 फुट चौड़ा है, तो 4 फुट इसकी डूंगाई है, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं वो। और इसके नीचे काफ़ी मैं अच्छा पत्थर उत्थर रख के इसकी लाइटिंग का ऊपर सिस्टम लगाऊंगा, पेड़ के ऊपर बहुत अच्छा बनाऊंगा। रात को जब जगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई जलता हुआ फुवारा हो। तो आपको पता ही है जो डेट पाम और जो खंजूर का पेड़ होता है काफ़ी बहुत खूबसूरत होता है। तो कल आने वाला है इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो बाकी मिलते हैं कल। दोस्तों ये मेरा जो अपना डेट पाम और इसे खंजूर का पेड़ बोलते हैं वो आ गया है, वो मैं लगाने लगा हूँ। ये क्रेन मंगाई थी मैंने, तो यहाँ पे लगेगा, ये लगेगा, काफ़ी बड़ा है। इसके ऊपर फ्रूट भी आते हैं, एक तो देसी होता है ना, ये थोड़ा सा हाइब्रिड है, इसमें फ्रूट आएगा जो खंजूर का होता है। तो काफ़ी हेल्थी प्लांट है ये, तो इसके लिए मैं वर्मी कंपोस्ट भी लेकर आया हूँ, 3 थैले पड़ेंगे इसमें। बाकी मैं इसको अभी दिखाता हूँ बाद में। दोस्तों जो ये डेट पाम था और जिसे खंजूर पाम भी बोलते हैं, ये मैंने नीचे अब लगा दिया है, तो अभी इसकी सेटिंग होने वाली है, तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। बाकी इसकी मैं पूरी सेटिंग करके फिर वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों अभी पूरी लग गई है, तो अभी इसकी सफाई होगी जितनी भी है, और जो नीचे पत्ते गिर रहे हैं इसकी कटिंग होगी, ऊपर फवारा सा रह जाएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, काफ़ी हेल्थी ये मुझे खंजूर मिल गई थी जो डेट पाम है, तो आगे मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों इसकी कटिंग हो रही है, तकरीबन कटिंग कंप्लीट हो गई है, जो नीचे वाली ब्रांचेज जो नीचे आ रही थी ना उसकी कटिंग कर दी है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन लगने लगी है अभी, तो होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अभी जो नीचे का काम होना बाकी है, अभी ये मिट्टी वगैरह उठाने वाली है, जितनी सफाई करने वाली है, उसके बाद इसके ऊपर लाइटिंग का काम होगा, तो नीचे लाइट लगेगी और ऊपर को जाएगी, 2 लाइटें लगाऊंगा मैं, जहाँ एक या 2 लगाऊंगा, एक पहले लगी हुई है उसकी सेटिंग कर दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी भी लगा दूंगा। तो काफ़ी अच्छी लगने लग गया है। तो अब ये वाला प्लांट भी मैं यहाँ से शिफ्ट उधर पीछे कर दूंगा, तो ये वाला भी उठाना है, ये यहाँ पर रख दूँगा मैं, तो काफ़ी अभी सही लगने लग गया है। जब आई थी ऐसे लग नहीं रहा था भी ये कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत बड़ी है और बड़ी क्रेन आई थी इसको उठाने के लिए। तो बाकी की अपडेट मैं इसकी सफाई होने के बाद देता हूँ। दोस्तों इसकी पूरी सफाई हो गई है, अच्छी तरह साफ़ कर दिया, नीचे से भी हो गया। तो अभी जो काम है इसकी लाइटिंग का है, ये देखें काफ़ी हेल्थी है,
तो यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह मैं नीचे रखूँगा, एक इधर लाइट लगेगी यहाँ पे, एक इधर तो है ही पहले, तो वो वाला बंद हो जाएगा बिल्कुल ही, उसको ईंट लगा के बिल्कुल उसको बंद कर देंगे। दोस्तों अभी मैं इसकी जो फालतू जो निकली हुई है ना ये वाली, यहाँ से ब्रांचें कटिंग करते हैं, इसकी मैं कटिंग करने लगा हूँ अब। तो हमारे इंडिया में ऐसे तो बहुत कम करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, पर फॉरेन में ज़्यादातर इसे काट कर बहुत ही अच्छी तरह से इसे बना देते हैं। जैसे ये वाले देखो, ये ऐसी कटिंग होगी जो फालतू है, और जब सारा हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसका जो काटने का तरीका एक्चुअल ये है, जैसे ना ये वाला है, ये इसकी सेध में ऐसे आएगा। अगर मैं इसे कट करूंगा तो इसकी जो जहां पर एक यहां से शुरू होता है ना, ये यहां से ऐसे कट होगा, और ये वाला यहां से ऐसे होगा, ये वाला यहां से ऐसे। इसका सही तरीका ये है कट करने का। तो अभी मैं कर रहा हूँ, तो इसकी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा होगा, बिल्कुल ही क्लीन हो गया है। और फॉरेन में ऐसे ही इसको कटिंग करके रखते हैं कि उससे क्या होता है कि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको मैं अभी पीछे से दिखाता हूँ। तो ये देखें, अभी देखें, अभी ये कितना सुंदर लगने लग गया। आपको पहले से इसको कंपेयर करना, पहले कटिंग से पहले ये कैसा लग रहा था, अभी ये कैसा लग रहा है। तो अभी साइड का काम शुरू हो गया है, अभी ईंटें लगेंगी इसके नीचे, इसके नीचे ही वायरिंग आएगी, और एक लाइट जहाँ पे लगेगी, जहाँ पे सराख लगाया है ये, यहाँ पे लाइट लगेगी, एक लगेगी इधर यहाँ पे, ये वाला सारा एरिया बंद हो जाएगा, ये वाला, ये तो यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे लगेगी, और यहाँ से ही वायरिंग जाएगी दूसरी लाइट को, और सेम कनेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या करना है वो बाद में दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो गया है, इधर वाला और ये वाला खड्डा भी मैंने बंद कर दिया है। अब लाइट मैं फिट करने वाला हूँ। दोस्तों मैं कुछ लाइटें लेकर आया था, चार लाइटें लेकर आया था, तीन ग्रीन वाली है, ये गार्डन की साइड पर लगेगी, ख़राब होगी थी,
तो एक वार्म वाइट है ये, यहाँ पे इसकी फिटिंग होगी ऐसे, तो ऊपर को लाइट जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी। दो लगेगी, एक इधर लगेगी, एक उधर साइड लगेगी। तो अभी मैं फिटिंग करने वाला हूँ, फिटिंग करके फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों लाइट की जो है फिटिंग होगी है वो दोनों लाइट की, तो आगे मैं अभी कुछ करने वाला हूँ, दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जो मैंने नीचे सेटिंग करनी थी वो कंप्लीट कर ली, अभी थोड़ा सा काम रह गया है नीचे वाला। तो बाकी जब घर में एंटर होते हैं तो डेट पाम कुछ ऐसा दिखता है, और जो नीचे मैंने जो रखे हैं बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, तो काफ़ी बड़े पत्थर हैं ये, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिले हैं। जो हमारा जहाँ से हम सैंड लेते हैं ना, रेता में आ जाते हैं, सैंड में आते हैं ये बड़े बड़े पत्थर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल गए थे। तो अभी जो यहाँ पे कुछ प्लांट लगेंगे, तो प्लांट मैं सोच रहा हूँ अभी कौन से लगाऊँ। स्नेक प्लांट लगा सकता हूँ, जो मीडियम साइज रहता है, जिसकी हाइट 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं जाती, वो वाले प्लांट लगाऊँगा। एक तो काफ़ी हो जाते हैं, 2-2, 3-3 फुट हाइट होती है, वो प्लांट नहीं लगाऊँगा मैं। तो जो मैंने लाइटें लगाई हुई हैं, दो लाइटें लगाई हुई हैं, उसके चारों ओर मैंने पत्थर रखे हुए हैं, कुछ भी थोड़ा सा देखने में लाइट को कोई नुकसान भी ना हो और देखने में थोड़ा अच्छा भी लगे। तो मैं कुछ और भी प्लांट डिसाइड कर सकता हूँ। तो अब जो है मेरा जो डेट पाम है वो कंप्लीट हो गया है, नीचे प्लांट भी लग गए हैं, पत्थर भी रख लिए हैं, सब कंप्लीट हो गया, लाइट भी लग गई है। जो मैंने नीचे प्लांट लगाए हैं वो स्नेक प्लांट लगाए हैं, ये वाले स्नेक प्लांट लगाए हैं, 5 प्लांट लगाए हैं। धीरे धीरे मल्टीपल होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। इसकी हाइट 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होती, थोड़े से हाईब्रिड स्नेक प्लांट है। ये वाला मेरे को 300 का मिला था, जो एक पॉट में 5 प्लांट निकल गए थे, तो 300 रुपये का मैं लेकर आया था ये स्नेक प्लांट। तो इसके बीच में मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली है, 10 किलो वर्मी कंपोस्ट डाली है, और फिर स्नेक प्लांट लगाए हैं। तो और ये धीरे धीरे मल्टीपल होते रहेंगे और ये पूरी जगह भर जाएगी। अभी मैं आपको रात का व्यू दिखाने वाला हूँ, आप ज़रूर देखना रात का व्यू। दोस्तों लाइटिंग से डेट पाम की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। नाइट को आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, जो नीचे मैंने पत्थर रखा हुआ है और प्लांट लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखें कि ये पत्थर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लाइट में। तो ऊपर को मैं दिखाता हूँ अभी, काफ़ी समय से ये मेरा प्लान था जो खंजूर का, जो डेट पाम का ट्री लगाने का। तो आपको जो मेरी वीडियो है कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जो कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।